दोस्तों क्या आपके मोबाइल का डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, आप मोबाइल को कुछ यूज भी नहीं किए फिर भी आप में देखे जो भी नेट है 1 GB या 1.5 GB 2 GB 3 GB जो भी मिलता है वो खत्म हो जाता है, आप लोग यूज भी नहीं करते हैं या आप लोग थोड़ा सा यूज किए ऑटोमेटिक पूरा खत्म हो गया। जब बाद में आप लोग देखें कि अब कोई भी डाटा नहीं बचा है तो आप लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, जैसे आप में बार बार देखिए आपके मोबाइल में डाटा जो आपका इंटरनेट डेली मिलता है वो खत्म हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यहाँ नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ऑल वाले पर क्लिक करना है, यहाँ कमेंट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है कि अगर कौन से कंपनी का मोबाइल है, इतना आपको कमेंट कर देना है। फिर जैसे आपके देखिए मोबाइल में जो आपको डेली इंटरनेट डेली डाटा मिलता है वो खत्म हो जाता है, आप लोग ज़्यादा यूज भी नहीं करते हैं या बिल्कुल भी नहीं यूज किए वो खत्म हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना होगा। दोस्तों मैं आपको देखिए 4 सेटिंग बताऊंगा, इसे आप लोग एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल में देखिए इंटरनेट खत्म नहीं होगा, आप लोग चाहे जितना यूज करें। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे देखिए सेटिंग ओपन हो गई है, तो सबसे पहले हमें यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डाटा यूजेस। इतना जैसा आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर शो करा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो जो एप्लीकेशन जो डाटा ले रही यहाँ पे शो करेगा, तो दोस्तों आपको देख लेना है कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा आपका डाटा यूज कर रहा, तो आपको इस तरह यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे आपको क्लियर हो गए कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा डाटा ले रहा है तो आपको उस एप्लीकेशन पे इस तरह क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखें डिटेल, इस तरह जो जो यहाँ पे ज़्यादा यूज करा इस तरह क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखें मोबाइल डाटा और वाईफाई और देखें नीचे है बैकग्राउंड डाटा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑन है, दोस्तों ऐसे आपको यहाँ पे देखे ऑन रहता है तो आपको ऑफ कर देना है, फिर यहाँ ओके वाले पे क्लिक करना है, इतना कर देना है। दोस्तों इससे ये रहेगा जैसे आप लोग इस देखे एप्लीकेशन को यूज किए बाद में आप लोग इसमें से बाहर आ देते हैं फिर भी ये बैकग्राउंड में रन करता रहता है, जो आपके देखे नंबर पे डाटा रहता है वो खत्म होता रहता है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है तो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेटिंग ये कर लेना है, इस तरह आपको एक एक करके सभी को चेक कर लेना है जिसमें डाटा ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर इस तरह आपको कर देना है, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। और दूसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, दूसरी सेटिंग के लिए हमें यहाँ पर देखिए नीचे आना है और नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ बैटरी एंड परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जाता है बैटरी सेवर बैटरी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे तो यहाँ पे तो बैटरी का है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा जो तरीका बताऊंगा इसे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल में जो डाटा लिमिट मिलती है वो खत्म ही नहीं होगी। तो आपको यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन जाएगा देखिए लॉक स्क्रीन सेटिंग टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक। दोस्तों यहाँ पे ये है आप में देखिए यहाँ पे नेवर रहेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें इसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसका मतलब ये रहता है, आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल देखे टर्न ऑफ हो जाता है, जैसे आप लोग अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं, जैसे आप लोग लॉक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मोबाइल का डाटा यूज होना बंद हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ नेवर पे करके रखेंगे तो आपका देखे मोबाइल यहाँ पे देखे आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे साइड में रख देंगे बंद कर देंगे फिर भी आपके मोबाइल में देखे इंटरनेट यूज होता रहता है, तो आप लोग इतना यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपके मोबाइल में इंटरनेट जो आपका डाटा लिमिट मिलती है वो खत्म नहीं होगी। दूसरी सेटिंग ये हो गई, तीसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तीसरी सेटिंग के लिए आपको यहाँ प्ले स्टोर यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे देखें प्ले स्टोर ओपन हो गए, फिर हमें यहाँ प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स, हमें यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ जनरल नेटवर्क प्रेफरेंस ऑथेंटिकेशन, तो हमें यहाँ नेटवर्क प्रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो अपडेट एप्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ ओवर एनी नेटवर्क यहाँ पे रहता है तो आपके यहाँ डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स यहाँ पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। दोस्तों इससे ये रहेगा जैसे आप लोग यहाँ पे इतना कर देंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें मोबाइल नेटवर्क वाले सेलेक्ट करके रखते हैं, जैसे आपके मोबाइल में देखें कोई भी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट आता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है जिससे आपका जो डाटा रहता है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे इतना कर देंगे तो दोस्तों जब आप लोग अपडेट करेंगे तभी अपडेट होगा, ऐसे आपका देखें इंटरनेट भी यूज नहीं होगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर देना है और इसके बाद आपको ये करना है ऑटो प्ले वीडियो, यहाँ पे देखें डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो देखे प्ले स्टोर पे जो वीडियो रहते हैं ऑटोमेटिक प्ले हो जाती हैं तो ये भी ऑटोमेटिक प्ले नहीं होंगी, ओके पे क्लिक कर देना है। इतनी सेटिंग आपको कर देना है और आपको चौथी सेटिंग के बारे में बताता हूँ, इसे आप लोग एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल में देखे आप लोग सारा दिन इंटरनेट चलाएंगे फिर भी नहीं खत्म होगा। इसके लिए आपको यहाँ यूट्यूब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखे यूट्यूब ओपन हो गए, फिर यहाँ प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है
और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन सुक करें तो आपका डाटा सेविंग यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ डाटा सेविंग मोड यहाँ पे देखिए ऑफ रहता है, आपको यहाँ ऑन कर देना है। और नीचे देखिए ऑप्शन सुक कर रहा है यहाँ मोबाइल डाटा यूज रिमाइंडर, यहाँ पे देखिए ऑफ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं, आप लोग चाहते हैं ये जितना आप यूज कर लें, आप लोग कोई लिमिट लगाना चाहते हैं 100 MB, 200 MB, 500 MB, जो भी लगाना चाहते हैं उतना आप लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, इतना जैसा सेट कर देंगे, जैसे एम बी जी बी जो लगाना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे ही आपका इतना देखिए डाटा यूज हो जाएगा, तुरंत आपको यहाँ पे रिमाइंडर अलर्ट आ जाएगा। तो आप लोग यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं फिर आप लोग यूज ना करिए। तो दोस्तों इस तरह आप लोग इतनी सेटिंग एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी है देखिए 1 GB, 2 GB, 3 GB जो भी मिलता है आप लोग सारा दिन भी यूज करेंगे तो फिर भी आपका खत्म नहीं होगा।